के साथ मुजफ्फर परवीन सद्दीकी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस की नई लिस्ट जारी हो गई है। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ का नाम सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने एक नई लिस्ट जारी की है जिसमें छिंदवाड़ा से नकुल नाथ का नाम है, सीधी से अजय सिंह और जबलपुर से विवेक तनखा का नाम सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस की जो नई सूची आई है उसमें छिंदवाड़ा से नकुलनाथ का नाम सामने आया, सीधी से अजय सिंह और जबलपुर से विवेक तनखा सूची में शामिल है। तो ये लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की नई सूची कांग्रेस ने जारी की है, जिसमें तीन नामों के साथ और अन्य नाम भी लिस्ट में शामिल है। आपको बता दें, छिंदवाड़ा से नकुलनाथ का नाम सामने आया, साथ ही सीधी से अजय सिंह और जबलपुर से विवेक तनखा का नाम इस सूची में शामिल है। कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी की है जिसमें दमोह से प्रताप सिंह लोधी, छिंदवाड़ा से नकुलनाथ को टिकट मिली है, साथ ही सीधी से अजय सिंह, जबलपुर से विवेक तनखा, सागर से प्रभु सिंह ठाकुर, सतना से राजा राम त्रिपाठी, मंडला से कमल मरावी, देवास से प्रहलाद टिपनिया, उज्जैन से बाबूलाल मालवीय सूची में शामिल है। खरगांव से गोविंद मुजालदा का नाम सामने आया है, रीवा से सिद्धार्थ तिवारी, सीधी से अजय सिंह और जबलपुर से विवेक तनखा कांग्रेस की सूची में शामिल है। आपको बता दें, कांग्रेस ने अपने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की है, जिसमें छिंदवाड़ा से नकुलनाथ, सागर से प्रभु सिंह ठाकुर, सतना से राजाराम त्रिपाठी, जबलपुर से विवेक तनखा, सीधी से अजय सिंह, छिंदवाड़ा से नकुलनाथ, मंडला से कमल मरावी, देवास से प्रहलाद टिपनिया, उज्जैन से बाबूलाल मालवीय इस लिस्ट में शामिल है। खरगोन से वही उम्मीदवार गोविंद मुजालदा का नाम घोषित हुआ है, रीवा से सिद्धार्थ तिवारी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने अपनी लोकसभा चुनाव की नई लिस्ट जारी की है, उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें सागर से प्रभु सिंह ठाकुर, सतना से राजा राम त्रिपाठी, जबलपुर से विवेक तनखा, सीधी से अजय सिंह, छिंदवाड़ा से नकुलनाथ, मंडला से कमल मरावी, देवास से प्रहलाद टिपनिया, उज्जैन से बाबूलाल मालवीय उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। निखरगांव से गोविंद मुजालदा, रीवा से सिद्धार्थ तिवारी का नाम सामने आया है और सीधी से अजय सिंह चयनित किए गए हैं। तो आपको बता रहे हैं, इस वक्त कांग्रेस ने अपने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें छिंदवाड़ा से नकुलनाथ का नाम सामने आया है, वहीं सीधी से अजय सिंह और जबलपुर से विवेक तनखा, खरगोन से गोविंद मुजालवा, रीवा से सिद्धार्थ तिवारी का नाम सामने आया है। और आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस ने अपनी लोकसभा चुनाव की नई उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। और इस पूरे मामले पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी मौजूद है, संदीप सेन। जी संदीप, जैसे कि नई लिस्ट सामने आ चुकी है, इसमें छिंदवाड़ा की अगर बात करें तो वहां से नकुलनाथ को उम्मीदवार घोषित किया गया, और किन किन नामों की घोषणा हुई है इस लिस्ट में? बिल्कुल, देखिए, बहुप्रतीक्षित कांग्रेस की सूची आज जारी कर दी गई है। हालांकि कुछ दिनों पहले कमलनाथ ने कहा था कि जो कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची है वो उनकी जेब में है, लेकिन इसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया और अजय सिंह, ये सभी बड़े नेता बैठे थे और लगातार कवायद जारी थी। लेकिन अब जो है कांग्रेस ने अपने 12 उम्मीदवार और तय कर दिए हैं, कुल मिलाकर 21 नाम अब तक कांग्रेस घोषित कर चुकी है।
सबसे बड़ी बात इसमें नकुल नाथ जैसा कि माना जा रहा था और तय भी था कि नकुल नाथ छिंदवाड़ा से जो है वो कमलनाथ की जगह इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, इसी लिए छिंदवाड़ा से नकुल नाथ का नाम सामने आया है। जबकि सीधी से अजय सिंह राहुल मैदान में होंगे। इसके पहले जब अजय सिंह मैदान में उतरे थे विधानसभा चुनाव में तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन पार्टी ने फिर से उन पर एक बार भरोसा जताया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो उज्जैन से बाबूलाल मालवीय को मैदान में पार्टी ने उतारा है। वहीं सागर सामान्य सीट से प्रभु सिंह ठाकुर, चूंकि माना जा रहा था कि प्रभु सिंह ठाकुर चूंकि दांगी समाज से आते हैं और ये सीट जो है कहीं ना कहीं दागी समाज बाहुल्य वाली सीट है, तो वहां से प्रभु सिंह ठाकुर को टिकट दिया गया है। इसके अलावा मंडला से भी जो है प्रत्याशी तय कर दिया गया है। वहीं बात की जाए अगर जबलपुर की तो जबलपुर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह के सामने अब कांग्रेस के कद्दावर लीडर और वर्तमान में मध्य प्रदेश से ही राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा होंगे। चूंकि विवेक तन्खा का अभी 3 साल का कार्यकाल बाकी था, लेकिन पार्टी ने उन्हें आलाकमान ने कहा था कि आप लोकसभा चुनाव में जाइए और पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जबलपुर से मन बना लीजिए उतरने का, तो उन्हें भी टिकट अब दे दिया गया है। विवेक तन्खा जबलपुर से उम्मीदवार होंगे। जी जी, जैसा कि जबलपुर की बात करें, राकेश सिंह और विवेक तन्खा की अगर बात करें तो कांटे की टक्कर देखी जा रही है। जैसा कि विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो उसमें 3 जो राज्य थे वो कांग्रेस ने अपने खेमे में कर लिया था। अब चूंकि लोकसभा बड़ी उम्मीद जताई जा रही है, दोनों ही जो पार्टियां हैं वो अपने अपने सोच समझ कर फूक फूक कर कदम रख रही हैं। और जो सीटें हैं उसकी अगर बात करें तो क्या कुछ दिखाई दे रहा है कांटे की टक्कर या किस तरह की चीजें सामने आ रही हैं? जी, जिस तरह से देखिए 3 राज्यों में कांग्रेस ने फिर से वापसी की है, उसके बाद कांग्रेस पूरी दमखम के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार है। चूंकि जो मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं उन्होंने दावा भी किया है कि 20 से 22 सीटें इस बार कांग्रेस लोकसभा में जीतेगी। ऐसे में जो कद्दावर उम्मीदवार हैं उन्हें पार्टी ने उन पर दांव लगाया है, चाहे अरुण यादव की बात की जाए या फिर बात की जाए अजय सिंह की या विवेक तन्खा की। साथ ही साथ अगर सीधी की बात करी जाए तो अजय सिंह वहां से उम्मीदवार है, जबकि रीवा की अगर बात की जाए तो वहां पर एक सिद्धार्थ तिवारी को मैदान में उतारा गया है, जो कि सहानुभूति लहर की बात होगी। इसके साथ ही जो अन्य प्रत्याशी तय किए गए हैं तो कहीं ना कहीं सबका सर्वे जो है वो AICC ने तो करा ही था, इसके अलावा जो निजी एजेंसी है कांग्रेस की निक्सन, उन्होंने भी इस तरह का सर्वे कराया। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री कमलनाथ है उन्होंने भी सर्वे कराया था। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो काफी सर्वे और काफी गहन चिंतन और मनन के बाद ये मंथन के बाद ये नाम निकल कर आए हैं, और कुल मिलाकर अब 21 उम्मीदवार अब तक जो है वो पार्टी घोषित कर चुकी है। और अब देखना होगा कि जो होल्ड की गई सीटें हैं जिन पर कि अभी भी पेच फंसा हुआ है, उनमें ग्वालियर, इंदौर और विदिशा जैसी सीटें शामिल हैं। चूंकि कहा जा रहा है कि इन सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की राय जो है वो अहम मानी जा रही है, इसलिए इन सीटों को होल्ड किया गया है। लेकिन एक इस लिस्ट में चौंकाने वाली बात यह भी है कि गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम अब तक जो है पार्टी ने डिक्लेयर नहीं किया है, तो माना जा रहा है कि ग्वालियर से अभी भी उनकी उम्मीदवारी को लेकर कुछ मंथन बाकी है। हालांकि उनके जो धर्मपत्नी है प्रियदर्शनी राजे, उनका नाम भी जो है उम्मीदवारी के तौर पर उछाला जा रहा था, लेकिन अब यह दिलचस्प हो गया है कि इस लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम का ना होना कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि उनकी सीट बदली जा सकती है। हालांकि इसको लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ कह चुके हैं कि वो जहां से सिटिंग MP हैं या वो जहां से चाहेंगे उन्हें चुनाव। संदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे साथ न्यूज रूम से संदीप सेन हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस ने 12 नामों की सूची जारी कर दी है और अब 21 नामों की सूची अब तक कांग्रेस अपनी जारी कर चुकी है। तो इस वक्त की खबर आपको बता रहे थे जहां कांग्रेस ने अपनी नई सूची जारी की है, जिसमें छिंदवाड़ा से नकुल नाथ का नाम सामने आया, सीधी से अजय सिंह और जबलपुर से विवेक तन्खा, साथ ही सागर से प्रभु सिंह ठाकुर, इस तरह करके 12 नामों की सूची कांग्रेस ने भी जारी कर दी है। पिछली सूची की बात करें तो कुल मिलाकर अब तक 21 नामों को कांग्रेस सामने ला चुकी है। दमोह से प्रताप और इस पूरे मामले पर जो कांग्रेस की लिस्ट जारी हुई, इस पर पूरे मामले को लेकर हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ डॉक्टर राकेश पाठक फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी
पाठक जी, जैसा कि कांग्रेस ने एक नई सूची 12 नामों की घोषित कर दी है, नामों को लेकर काफी कयास लगाए जा रहे थे। कई नाम तो जिन उम्मीद की जा रही थी वही सामने है, कई नामों पर थोड़ा सा संशोधन किया गया है, क्या कुछ और मानना है आपको इस पूरी लिस्ट को लेकर? सूची कांग्रेस की जो जारी हुई है, लगभग वे नाम जो पहले से चर्चा में थे, जैसे सीधी से अजय सिंह राहुल, प्रहलाद दास टिपानिया इधर से और विवेक तंखा जबलपुर से, ये सारे नाम लगभग चर्चा में मीडिया में और कांग्रेस के हलकों में थे ही, उनके नाम आज घोषित हो गए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि कुछ सीटें अभी भी लंबित हैं और बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं। एक तो इंदौर है, ग्वालियर और गुना शिवपुरी संसदीय सीट है, गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार सांसद हैं वहां से, पर इस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, लेकिन सुनिश्चित साथ अगर वहां से लड़ेंगे तब भी उनका नाम अभी सूची में नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है कि इस सूची में जो नाम आ गए हैं उससे ज्यादा अब अगली जो अंतिम सूची होगी उस पर हमें नजर रखनी होगी। कई चौंकाने वाले नाम, कई चौंकाने वाले निर्णय उसमें कांग्रेस पार्टी के दिखाई देंगे। जिस तरह कांग्रेस ने रणनीति बनाई है, दिग्विजय सिंह को भोपाल से लड़ाया जा रहा है जो टफ सीट है कांग्रेस के लिए, 30 साल से कांग्रेस यहां नहीं जीती है, इंदौर तो अजय दुर्ग है बीजेपी का, तो मुझे ऐसा लगता है इस लिस्ट में तो लगभग वही नाम है और जो दूसरे नाम है वे भी अच्छे नाम है। देखना होगा उनके मुकाबले बीजेपी जहां जहां नाम घोषित कर चुकी है उनका मुकाबला कैसा होता है। जी, जैसा कि आपने बताया गुना और इंदौर की सीट महत्वपूर्ण है, उस पर क्या उम्मीद की जा सकती है, कब तक कांग्रेस इन पर भी जो पर्दा डाला हुआ है उसको खोल सकती है? हेलो, जी जैसा कि अभी आपने इंदौर और गुना सीट की बात की थी कि अभी वहां पर भी अभी सामने नहीं आया उसमें उम्मीदवार का नाम, जो कयास लगाए जा रहे हैं क्या उन पर ही मुहर लगेगी या कुछ और भी सोचा जा सकता है, या कब तक आने की उम्मीद की जा सकती है इन नामों? अब देखिए, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों इन दिनों एक ऐसे भंवर में फंसी हुई हैं कि जो कठिन सीटें हैं तो वहां न तो बीजेपी नाम घोषित कर पा रही है ना कांग्रेस। जैसे बीजेपी के लिए भोपाल में संकट हो गया दिग्विजय सिंह के आने के बाद, तो जो उनकी अपना अभेद्य दूर गया भोपाल, इसके बावजूद कोई नाम बीजेपी तय नहीं कर पा रही। इसी तरह ग्वालियर है, गुना शिवपुरी संसदीय सीट है, गुना शिवपुरी और ग्वालियर को मैं सारा दारोमदार सारी चर्चा ज्योतिरादित्य सिंधिया पर ही निर्भर करेगी। अगर सिंधिया जी चाहेंगे तो गुना शिवपुरी से लड़ सकते हैं, अगर वे चाहेंगे तो ग्वालियर से लड़ सकते हैं। चर्चा ये भी है कि उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रियदर्शनी राजे हो सकता है ग्वालियर से प्रत्याशी हों। फिर भी मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि ये दो तीन जो सीटें बची हैं और दोनों ही पार्टियों की तरफ से मामला है, कुछ चौंकाने नाम, गैर पारंपरिक नाम, जैसे इंदौर के लिए गोविंदा का नाम चर्चा में है जी। जो सिनेमा के अभिनेता हैं और मुंबई से पहले सांसद रह चुके हैं। कब तक ये सूचियां जारी होगी बाकी बचे नामों की, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। दिल्ली में कवायद दोनों पार्टियों की लगातार जारी है, कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक एक दो दिन पहले हो चुकी है। अब बस ये समझिए कि आखिरी दिन है, एक दो दिन में ये सारे नाम सामने आ जाएंगे। जी, एक तरफ अगर बात करें दोनों पार्टियों की, तो दोनों पार्टी अपनी जीत दर्ज कराने की बात कहती है, पर अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो तीन राज्यों में कांग्रेस भारी पड़ी, तो क्या लगता है इस बार भी इसलिए ही फूक फूक कर कदम रख रहे दोनों पार्टी, जबकि बात करते हैं दोनों ही अपनी जीतने की? जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है। देखिए, अभी जो नवंबर में पांच विधानसभा चुनाव थे, लेकिन तीन राज्यों में कांग्रेस ने वापसी की है, सत्ता के वनवास से बाहर निकलकर वो सिंहासन तक पहुंची है, तो कांग्रेस का जो मनोबल है बढ़ा हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के युग में, मोदी शाह की भारतीय जनता पार्टी के दौर में, अपने ही शासन वाले तीन राज्यों को खो देना बीजेपी के मनोबल को गिराने वाली बात है। और तो स्वाभाविक है कांग्रेस का मनोबल बढ़ा हुआ है, लेकिन लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बहुत मूलभूत अंतर होता है। लोकसभा चुनाव प्रदेश के स्तर पर प्रदेश के मुद्दों और जो स्थानीय मुद्दे होते हैं कई बार प्रत्याशियों के चेहरों पर लड़ा जाता है, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव होता है तो देश अपने लिए, देश के लिए सरकार चुनने निकलता है। तो इस वक्त मोदी ब्रांड जो नेम है उसकी परीक्षा है। इन तीन विधानसभा चुनाव के जो नतीजे थे उनका जो फैलाव था वोटों का, अगर उसको प्रतिशत और बढ़ोतरी के आधार पर देखें, तो मध्यप्रदेश जैसे राज्य में
जहां कांग्रेस 2014 में सिर्फ दो सीटें जीत सकी थी, वहां अगर विधानसभा चुनाव के वोटों को गिने तो कम से कम 15-16 सीटें कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वो सब ऐसा का ऐसा तब्दील नहीं होता, ऐसा का ऐसा वोटों का अंतरण नहीं होता। लेकिन कांग्रेस मुकाबले में है, चुनौती में है, ये विधानसभा चुनाव से उसने साबित किया है। पर वो टेम्पो नवंबर का बना रहेगा मई तक के मतदान में, इसकी कोई गारंटी नहीं ली जा सकती। जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोनों ही पार्टियों पर दबाव है, इसलिए धीरे धीरे लिस्ट वो जारी कर रहे हैं और जो नाम है उसको बहुत सोच समझ कर वो अपने पत्ते खोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया सारी हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ डॉक्टर राकेश पाठक जुड़े थे, उन्होंने बताया कि जो और सीटें हैं उन पर भी जल्द ही नाम सामने आएगा, जो कयास लगाए जा रहे हैं उन वो ही जहां तक है उन पर ही मुहर लग सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, कांग्रेस ने अपने 12 उम्मीदवार